करती हूँ। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के रैखिक समीकरण। तो द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का अपन लिखेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसको शॉर्ट रूप में यदि डी कैपिटल डी लिखें डी बाई डी एक्स को, तो डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू ब्रैकेट्स वाई इज इक्वल टू आर रूप की समीकरण द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है, जहाँ पी क्यू तथा आर केवल मात्र एक्स के ही फलन हो। अब इसका जो सॉल्यूशन है द्वितीय कोटि के रैखिक समीकरण का, पूर्ण हल जबकि पूरक फलन सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक समाकल ज्ञात हो, तो अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन अपने नंबर एक ले ली, सबसे पहले मान लिया y इज इक्वल टू यू पूरक फलन का एक समाकल है, तो समीकरण एक का एक हल u होगा जबकि इसकी आर एच एस शून्य के बराबर हो, मीन्स r इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स पी इन टू प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो ये आपके इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, वाई की जगह यू हो जाएगा, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू जीरो, नंबर टू। अब एक का पूर्ण हल अपन ने मान लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू यू वी, जहां वी एक्स का फलन है, नंबर तीन। अब डिटर्मिनेशन ऑफ वी किसे कैसे ज्ञात करना, तो तीन का अपन ने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, अगेन उसको अवकलन किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया। चार और पांच का प्रयोग एक में कर लिया अपन ने, इसको हल कर लिया। हल करने से इक्वेशन जो अपने पास आई है डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस ब्रैकेट पी प्लस टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर बाई यू, नंबर सिक्स इक्वेशन। अब अपन ने dv बाई डी एक्स को p मान लिया, हर क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करेंगे उसमें इसी तरह से करेंगे, मान लिया इसको p मान लिया, डबल डिफरेंशिएशन किया dp बाई डी एक्स हो गया और इसको अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया सिक्स नंबर इक्वेशन में, तो dp बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट p प्लस टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाई p इज इक्वल टू आर बाई यू, ये सात नंबर इक्वेशन है। सात पी तथा एक्स में रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके निकल गए इज इक्वल टू यू स्क्वायर और ई के पावर मल्टीप्लाइड बाय ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो सात का हल हो गया। पी को मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर लिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और राइट हैंड साइड जो आर बाई यू है उसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया इंटीग्रेट प्लस सी वन। इस तरह से अपन हल करेंगे, फिर पी अपन निकालेंगे, पी क्या होता है डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स अपॉन यू स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर यू ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी वन ई रेस टू माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स अपॉन यू स्क्वायर। हल करने पर इसको इंटीग्रेट किया, v इज इक्वल टू अपने पास में आया, तो आठ आठ नंबर इक्वेशन इसको समाकल करने पर अपन ने माना, तीन में प्रयोग करने पर अपने को पूर्ण हल प्राप्त होता है। अब अपन करेंगे कि पूरक फलन ज्ञात करने के नियम क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अपने को जो इक्वेशन मानक रूप दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, इसमें यदि वन प्लस p प्लस क्यू अपन करें और जीरो हो जाए तो पूरक फलन y इज इक्वल टू ई के पावर x होगा। यदि अपन ने 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो किया, हुआ यदि जीरो तो y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। यदि अपन ने 1 प्लस पी बाई एम का भाग दिया प्लस क्यू बाई एम स्क्वायर किया इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसका पूरक फलन हो जाएगा y इक्वल टू ई के पावर एम एक्स। और यदि p में अपन ने जोड़ा q मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू एक्स पूरक फलन का भाग हो गया और अपन ने टू प्लस टू इंटू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर किया तो जीरो हुआ, तो
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूरे फलन का भाग हो गया। और छठा लास्ट रूल है एम मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस वन प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पूरे फलन का भाग हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम। अब आपको वर्किंग मेथड के बारे में थोड़ा बताते हैं कि इस तरह की इक्वेशन हो तो कैसे करें, क्रियाविधि क्या है। सबसे पहले अपन डी टू वाई बाई डी एक्स टू का गुणांक एक ले लेंगे, जो भी मल्टीप्लायर है उसको अपन भाग दे देंगे, फिर पूरक फलन ज्ञात करेंगे जो विधियां बताई गई है। बाद में अपन नंबर तीन पर वाई इज इक्वल टू यू भी लेंगे और सरल करके मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो अपन आगे चलेंगे डी वी बाई डी एक्स आएगा, उसको p मान लेंगे, p तथा x में रैखिक समीकरण के रूप में लिया तो रैखिक समीकरण का पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है तो बिल्कुल सरल है, इसका मल्टीप्लायर d2y टू वाई बाई डी एक्स टू का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अपन सीधा p की जगह मतलब dy वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और y का मल्टीप्लायर आ गया q, मतलब q q इज इक्वल टू x मिल गया। अब यदि अपन p में अपन Q को X से मल्टीप्लाई करके जोड़े तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब Y इज इक्वल टू X इज ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी एफ का एक भाग है नंबर एक इक्वेशन। अब Y इज इक्वल टू वी एक्स रख लिया अपन, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा डी टू वाई बाई डी एक्स टू कर लिया, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अपन ने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, दो और तीन को दिए गए समीकरण में रख दिया अपन ने, तो समीकरण अपने पास आएगी एक्स डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस ब्रैकेट टू माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, चार नंबर। अब डी वी बाई डी एक्स को पी मान लिया अपन ने, तो इक्वेशन अपने पास में लीनियर इक्वेशन आ गई डी पी बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट टू बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाई पी इज इक्वल टू वन। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा ई के पावर माइनस एक्स बाई क्यू से। अब अपन इस इक्वेशन का हल निकालने के लिए p को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, राइट हैंड साइड में आपके 1 है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा देंगे विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c करेंगे, जहां पे सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर p इज इक्वल टू dv बाई dx लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो v का मान आ जाएगा। अब v का मान y इज इक्वल टू vx में रख दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ये अपन इस तरह से करने का हल करने का तरीका है, पूरी एक्सरसाइज है, बच्चों को कंप्लीट एक्सरसाइज दी जाती है और जो बार बार विश्वविद्यालय में ट्यूशन पूछे जाते हैं उनको रिपीटेड टाइम करें और जो भी प्रॉब्लम आए तो अपन उसके साथ में हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जा सकता है। अब देखो कई बार ये जो द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण है कई बार सॉल्यूशन होता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं प्रथम अवकलज को हटाते हैं और उसको हटाने के लिए जो नियम या जो नियमावली बनी है उसको कहते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म पर सामान्य रूप। तो उसको जो द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण को अपन ने चेंज कर लिया पर सामान्य रूप में कर लिया, तो वो चेंज हो गई डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। अब इसको निकालने का तरीका काफी लंबा है, इससे बेटर है कि अपने को आई के बारे में ध्यान होना चाहिए, एस के बारे में ध्यान होना चाहिए। जनरल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, सबसे पहले y इज इक्वल टू यू वी मानेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बार और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो इक्वेशन अपने पास में आई है प्रथम अवकलज, जैसे इक्वेशन आठ नंबर इक्वेशन आई है प्रथम अवकलज जिसमें dv बाई डी एक्स है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, उसके गुणांक को जीरो करेंगे, तो मल्टीप्लायर को जीरो किया तो du बाई यू इज इक्वल टू माइनस हाफ पी डी एक्स आया, इसका समाकलन किया तो log u आया, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट कर लिया तो u इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा, मतलब प्रथम अवकलज को हटाने के लिए u इज इक्वल टू आपके समीकरण नंबर 9 काम आएगा। फिर 9 का प्रयोग 8 में किया तो अपन आगे डी टू यू बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 बाई 4 पी स्क्वायर यू माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स इंटू यू आ गया। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो इक्वेशन अपने को देखो लास्ट में इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स ब्रैकेट बंद वी इज इक्वल टू आर इंटू के पावर हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो जो इक्वेशन अपन ने रखी है उसका नाम है डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस आई वी, आई का मान क्या आ गया ये आपको याद रखना है, क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर
माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई डी पी बाई डी एक्स, आई वी इज इक्वल टू एस। तो एस का मान भी अपने को याद रखना पड़ेगा, आर मल्टीप्लाइड बाई ई के पावर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये बिल्कुल सामान्य रूप इजीली अपन याद रखना पड़ेगा। इसका वर्किंग मेथड है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको वन करना है, फिर यू इज इक्वल टू आपको चुनना है प्रथम अवकलज को हटाने के लिए, यू इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर वाई इज इक्वल टू यू कर लो तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, जहाँ आई का मान दिया हुआ होगा एस का मान दिया हुआ होगा। आई इज इक्वल टू अचर है तो अपन पहले कितने विधियां जो है उसकी हिसाब से करेंगे, और आई इज इक्वल टू यदि अचर अपॉन एक्स स्क्वायर है तो परिणामी समीकरण समकाल समीकरण में निरूपित हो जाती है और समकाल समीकरण का अपन हल ज्ञात करना जानते हैं। उक्त विधियों से वी प्राप्त करने पर वाई इज इक्वल टू यू वी हो जाएगा। जैसे इक्वेशन पहले एग्जाम्पल नंबर वन दे रखा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी टू वाई वी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हटाएंगे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन, फिर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, पी का मान आ गया क्यू का मान आ गया आर राइट हैंड साइड में जीरो है, प्रथम अवकलज को हटाने के लिए अपन ने यू इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स किया, तो ये इक्वेशन आ गई यू इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू एक्स, एस इज इक्वल टू जीरो क्यों आर भी जीरो है, आई की वैल्यू निकाल ली जीरो, तो आपके इक्वेशन में इसमें मानक समीकरण पर सामान्य रूप का है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, मीन्स डी स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, डी फोर डी बाई डी वी डी बाई डी एक्स है डी बाई डी वी गलत देखा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स डी इज इक्वल टू जीरो ट्वाइस, तो आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड ब्रैकेट वन ई रेस टू जीरो इंटू एक्स मीन्स सी वन प्लस सी टू इंटू एक्स, चौथी नंबर इक्वेशन आ गई। संपूर्ण हल के लिए वाई इज इक्वल टू यू वी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये समीकरण जो एग्जाम्पल टू टू दे रखा है इसमें अपन हल करके वही दूसरे वाला मतलब ये सबसे सरलतम तरीका है पर सामान्य रूप में, क्योंकि इसकी डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाती है, मतलब एक घात का जो है उसको जीरो कर लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज दी हुई है बच्चों के लिए, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए बच्चों को अपने आप करना चाहिए। अब है मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब स्वतंत्र चल को अपन ने बदल दिया, बदलने के लिए अपन क्या करेंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपन डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स में आ जाएंगे, स्वतंत्र मतलब एक्स को अपन चेंज कर देंगे। तो इक्वेशन आपके देखो डी टू वी बाई डी टू वाई बाई डी एक्स डी एक्स टू क्या आ जाएगी, इक्वेशन आपकी डी टू वाई बाई डी जेड टू मल्टीप्लाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड इंटू डी टू जेड बाई डी एक्स, मतलब डी डी जेड में इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में देखो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन इस रूप में आएगी हल करके डी टू वाई बाई डी जेड टू प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड, मतलब एक्स की जगह जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको चेंज कर लिया एक्स की जगह जेड आ गया प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। इसमें वैल्यूज अपने को याद रखनी पड़ेगी पी वन की, बहुत ईजी याद रखना पी वन इज इक्वल टू पी डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी टू जेड बाई डी एक्स टू अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सब में नीचे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू बटा होगा आर वन इज इक्वल टू आर। इस तरह से याद रखना कोई कठिन नहीं है। चल जेड का चेन किस तरह से करें अपन, इस प्रकार करना चाहिए कि इक्वेशन जो दे रखी है सरलतापूर्वक समाकलन कर हल प्राप्त किया जा सके, क्यू वन इज इक्वल टू अचर लेना चाहिए अपने, तो सरलता से अपन इसको सरल कर सकते हैं। इसमें दो तरह की स्थिति क्यू वन इज इक्वल टू अचर हो या क्यू वन इज इक्वल टू अचर अपॉन जेड स्क्वायर हो तो समघात में चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन का अपन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स फोर इज इन मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से हो सकती है, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पी की जगह क्यू की जगह आर की जगह लिख दिया, एक्स को जेड में परिवर्तित कर दिया अपन ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, पी वन क्यू वन और आर वन अपन ने निकाल दिया तो पी वन इज इक्वल टू जीरो निकला और डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर निकला तो जेड इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स। समीकरण का परिवर्तित रूप आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू जीरो,
तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, तो सी वन कॉस एच जेड प्लस सी टू आ गया। ये और भी कठिन एग्जाम्पल है दूसरे वाला, जिसमें भी अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड का चेन मायने रखता है। जैसे इसमें फोर वाई कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो अपन डी जेड बाय डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल टू फोर कोसेक स्क्वायर एक्स कंप्लीट रख लेंगे, तो डी जेड इज इक्वल टू टू कोसेक एक्स डी एक्स आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू, इक्वेशन आपकी एक्स को जेड में परिवर्तित करेंगे तो इक्वेशन आपकी डी टू वाई बाई डी जेड टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई। तो अपन हल कर लेंगे सी वन वाई इज इक्वल टू सी वन कोस जेड प्लस सी टू। आगे अपन दूसरा चैप्टर फिर आगे देखेंगे।